हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? और अभी हो रहे हैं शाम के 5:30। वो देखिए, 5:30 हो रहे हैं और मैं बनाने जा रही हूँ खाना। खाने में क्या बनाऊंगी मुझे खुद को ही समझ में नहीं आ रहा, पर खाना तो बनाना पड़ेगा। और घर में नहीं है कुछ, कोई भी नहीं है, मतलब घर में मैं अकेली हूँ दिवाली के दिन। तो मेरे को इतना गंदा लग रहा है अभी। थोड़ी देर में लाइव गई, फिर 2 बार लाइव गई हूँ, फिर बैठे बैठे मैंने लहसुन भी छील लिया। और अभी अकेली हूँ तो क्या मैं खाना बनाऊँ? बच्चे भी नहीं है यहाँ पे और पति देव भी पता नहीं कहाँ गए हैं, बता के नहीं गए कुछ। और समझ में भी नहीं आ रहा क्या बनाऊँ। थोड़े से मीठे पुए जिनको गुलगुले बोलते हैं, आप पता नहीं बहुत सी जगह पे गुलगुले बोलते हैं, तो वही बनाती हूँ। और इसको कहाँ टिकाऊँ मैं? आज हमारे घर में चौक में बंदर आ गए थे बहुत सारे, और वो अभी लाल मुंह वाले थे। ऐसी मतलब डर लगा मेरे को, बहुत ज्यादा तो नहीं पर लगा। तो मैंने मीठे जो गुलगुले होते हैं उनका घोल कर लिया है, और इधर लगा रही मैं पुड़ी वाला आटा। लहसुन मैंने छिल के तैयार कर दिया है। अब देखती हूँ पतिदेव जब भी आएंगे क्या सब्जी लाते हैं। मतलब वैसे तो रखी हुई है, आल का कुछ खाने का मन तो नहीं है, पर त्योहार है तो थोड़ा थोड़ा बना लेते हैं। और बच्चे कोई भी नहीं है यहाँ पे, बच्चे होते तो थोड़ा बहुत और बनाती मैं। कल भी हमारे लड्डू बाटी बनते हैं तो मैंने कल भी लड्डू बाटी बना लिए थे। और मैं बालों का बना लेती हूँ जूड़ा, नहीं तो फिर पूरे रोटियों में पुड़ियों में बाल ही बाल होंगे मेरे। ऐसे हो रही हूँ ना बोलने में जैसे सांस ही फूल रही हो मेरी, वैसा ऐसा लग रहा है। पता नहीं क्यों जुकाम की वजह से फुल बॉडी ऐसी लग रही कि जैसे बहुत बीमार हो फिर टूटती ना बॉडी, वैसे फील हो रहा है। रात 2 गुलाब जामुन खाए थे, उसमें मेरी खांसी स्टार्ट हो गई थी। और अभी फिर पुड़िया पुड़िया खाऊंगी तो और ज्यादा होगी, लेकिन त्योहार भी रोज नहीं आता ना, तो आज आज खा लेते हैं। और आज मैं लाइव गई थी और लाइव में कम से कम 3-4 जनों ने मुझसे पूछा कि मेरी एज क्या है, मैं क्या करती हूँ। तो मैं जल्दी ही अपना एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाऊंगी, उसमें सब चीज बताऊंगी कि मैं कहाँ से हूँ, मैं मतलब क्या मेरी एजुकेशन है, सब चीजें मैं उसमें आपको बता दूंगी। और मैंने वैसे लाइव में बता दिया कि मेरी एज क्या है, लेकिन मेरे से ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है। मेरे को खुद को हंसी आती है, यार एज में क्या रखा है? कुछ नहीं होता, एज सिर्फ एक नंबर होता है। आप अगर यहाँ से और यहाँ से अपने को बुजुर्ग फील करोगे तो आप बुजुर्ग हो, और यहाँ से आप फील करोगे कि नहीं मेरी उम्र इतनी नहीं है, मैं अभी ठीक ठाक हूँ, तो आप अपने आप को ठीक ठाक फील करोगे। तो जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है। आप बूढ़े अपने दिलो दिमाग से होते हो। एज तो क्या है, नंबर होते हैं 40, 50, 60, तो छोड़ो चक्कर एज का। और मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मैं आज मुझे क्या हो रहा है? कुछ नहीं, मेरे को बोरियत भी हो रही है, मैं खुश भी हूं, मैं दुखी भी हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और आपके गोवर्धन पूजा के दिन क्या क्या पकवान बनते हैं जरूर से शेयर करें। ये आ गए हैं और ले आए पता नहीं सब्जियां वब्जियां कुछ तो है। पी में गई चाय पत्ती? तो ये है ग्रीन, मैं हूँ पिंक। पिंक ग्रीन का कॉम्बिनेशन कहीं देखा है? पर जाके आए हैं और अभी कितने 1008 का बल्ब जल गया है मेरे चेहरे पे, अब मैं ठीक हूँ। मेरे को बोरियत हो रही थी, आप सबको बोल रही थी कि मैं बोर हो रही हूँ, बच्चे भी नहीं है, पति देव भी नहीं है, अब आ गए हैं, अब खुश हूँ मैं। और सब्जियां क्या, तो दोनों ही है, तो हम लोगों को हरी मिर्ची फ्राई करी हुई अच्छी लगती पुड़ी के साथ। तो पुड़ी थे भी खाए तो रोटी खाए, मतलब ये भी पुड़ी नहीं खाएंगे, पुड़ी सिर्फ मैं खाऊंगी। तो 4-5 पुड़ी बना लेती हूँ, उसके बाद
रोटियां ही बनाऊंगी और पूरी जल गई है पीछे मेरे। ये क्या अदरक खा रहे हैं, सीधी डायरेक्ट वहां से आई हुई कोई खा रहे है। धोना जकोड़ना हमारे चलता नहीं है इतना, नहीं नहीं चलता है, पर अभी नहीं धोई है। और आपसे बातें करते करते मेरी पूरी जल गई है। अब लहसुन खा रहे हैं तो आप सब लोग पूछते हो ना दीदी आपकी खूबसूरती का राज क्या है, तो भाई हमारे घर में लहसुन खाते हैं, अदरक खाते हैं, बहुत सारे मसाले खाते हैं, तो यही है बस। इन्हीं की वजह से थोड़ा स्वस्थ रहती हूँ, मैं भी स्वस्थ रहती हूँ। ये कुछ ना कुछ काढ़े वाढ़े मेरे को पिलाते रहते हैं। और इन्होंने आने के बाद मेरे लिए बनाया है काढ़ा, तो वही काढ़ा मैं पी रही हूँ। और ये बोल रहे कि इससे खराश नहीं होगी गले में, और जुकाम है वो ज्यादा हावी नहीं होगा, मतलब ठीक हो जाएगी जल्दी। मैं काढ़ा पी रही हूँ, देखती हूँ टेस्ट कैसा है। अच्छा है, थोड़ा सा कड़वा है, मेरे को काढ़ा पी के चक्कर आ रहे हैं, गिरने में आ रही हूँ, इतना सचमुच में चक्कर आ रहा है, तो ऐसे घूम रहा है सब कुछ, गायब थे ये। और इन्होंने पिला दिया अभी काढ़ा, जो काढ़ा मेरे को चक्कर आ रहे। काढ़े में क्या क्या डाला बताओ आप, क्या क्या डाला था काढ़े में बताओ, वो लोग भी सीखे। लौंग और काली मिर्च, काली मिर्ची और सौंठ, सौंठ मतलब सूखी अदरक, सौंठ हाँ, पीपल, पीपल, पीपल का पेड़ नहीं है, पीपल आती है जो मुंह में रखने की होती है, लौंग की डिजाइन की है, दालचीनी, दालचीनी और तुलसी, तुलसी। अभी ऐसे बोल रही है जैसे स्कूल में इनकी टीचर पूछ रही है, और ऐसे बोल रहे हाँ मतलब पौधा होता है अड़ूसा की, तो उसके पत्ते डाले हैं, तो उसकी वजह से मेरे को चक्कर क्यों आ रहे हैं, चक्कर आते भूखे पेट, उसको भूखे पेट। हाँ मैं सुबह से ज्यादा कुछ खाया नहीं था मैंने, इस वजह से चक्कर आ रहे हैं। और आप टीचर की तरह क्यों, मतलब जैसे मैं आपकी टीचर हूँ, आप सामने खड़े हो ऐसे बता रहे हो, ऐसे क्यों है ना। सब बोलते हैं भाई मेहंदी का जैसा कलर होता है वैसे पति प्यार करता, उतना प्यार करता है, तो ये मेहंदी कैसे नहीं रची मेरे है? ये देखो नहीं रची ना, नहीं रची, प्यार नहीं है हमसे, प्यार नहीं है क्या, नहीं करूंगा तो क्या कर लेगी तुम प्यार नहीं करूंगा तो क्या कर लेगी, मैं लड़ाई करूंगी और तो कुछ कर नहीं सकती। लड़ाई तो कर सकती है, प्यार थोड़ी करवा सकती है जबरदस्ती, करती क्या है, बीवी हूँ। अच्छा मतलब अपनी बीवी किसी को अच्छी नहीं लगती, दूसरे की बीवी अच्छी लगती, हाँ दूसरे की अच्छी लगती सबको। तो ये तो थी पते की बात, तो अब आपको आपकी बीवी अच्छी नहीं लगती, किसकी बीवी अच्छी लगती वो भी बता दो, वो तो किसी और की बन गई तो बता दो, नहीं बताने हमें, मतलब इनको कुछ बताना नहीं है, बोल तो दिया मुंह से निकल गए वर्ड की अपनी बीवी किसी को अच्छी नहीं लगती, और किस किस को अपनी बीवी अच्छी नहीं लगती वो कमेंट में जरूर बताना, और मैं पक्का इसको पोस्ट करूंगी, मेरे चक्कर आ रहे हैं फिर भी पोस्ट करूंगी मैं इसको, कर देना, करूंगी मैं पोस्ट करूंगी भाई, मेरे पति को मैं पसंद नहीं हूँ, कर रहे मेरे को बदनाम की मैं काम काम करती हूँ, और सच में चक्कर आ रहे हैं मेरे को, मैं अब इसको ऑफ कर रही हूँ, नहीं तो पता नहीं क्या 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 बकवास करूंगी। और मेरा खाना बन चुका है, पूड़ी बन गई है, मीठे पुए बन गए हैं, चिप्स बना लिए मैंने, चिप्स तल लिए हैं, और इनके लिए रोटी सेक दी है मैंने, क्योंकि ये नहीं खाते हैं तेल वाली चीजें इसलिए। और सब्जी के नाम पे बनी है हमारे घर में मिर्ची फ्राई, क्योंकि गले खराब हो रहे हैं ना, जुकाम हो रहा है, तो थोड़ा उससे अच्छा हो जाएगा। मिर्ची फ्राई बनी है, और दाल भी है, मतलब रखी हुई है दाल, और बस यही खाना बना है आज। और इससे थोड़ा सा ज्यादा बनता अगर बच्चे यहाँ पे होते तो, मतलब कुछ थोड़ी सी वैरायटी बढ़ जाती, लेकिन बहुत ज्यादा वैरायटी भी हमारे नहीं बनती, हम लोग इतना ही खाते हैं। तो ये सब था आज का ब्लॉग, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।